सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको दोस्त बुलदार था दोस्तों, आपके लिए आज एक और बेहतरीन सा इवेंट ढूंढ के लिए क्या हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरद आजीविका फूड फेस्टिवल के, जो एवरी ईयर लगाया जाता है और ये दिसंबर में हर साल मनाते हैं इसको, सरद फूड फेस्टिवल को। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के फूड स्टॉल देखने के लिए मिलेंगे। तो इस बार स्पेशल यहाँ पे ये होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे 25 राज्यों से आपको अलग अलग ऐसे चीज ग्रुप के द्वारा लगाए गए स्टॉल देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे लखपति दीदी, यानी कि उन लखपति दीदी के बारे में भी आपको जानने के लिए मिलेगा जो लखपति बन चुकी है। यानी सरकार की एक योजना थी जिसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, सरस आजीविका मेला जो कि प्रगति मैदान में लगाया गया था, ऐसे यहाँ पे सरस आजीविका फूड फेस्टिवल आप देख पाएंगे। और यहाँ पे लखपति दीदियों ने स्टॉल लगाए अपने, तो ये 25 राज्यों के एस एच जी ग्रुप हैं जिन्होंने यहाँ स्टॉल लगाए अपने अलग अलग। और यहाँ पे कई किस्म का आपको फूड देखने के लिए मिलने वाला है, आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आके इस सरस फूड फेस्टिवल को दोस्तों। तो इसकी सारी डिटेल मैं आपको वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ, आप यहाँ पर आने से पहले वीडियो देखकर आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, नए नए इवेंट, नई नई वीडियो, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी इन्हें इंजॉय कर सकें आने के बाद दोस्तों। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं इस पूरे सरस आजीविका फूड फेस्टिवल को। अमेजिंग में यहाँ पे फूड फेस्टिवल लगा है जिसकी मैं बात करूँ, सरस फूड फेस्टिवल 2024। और ये लगा है दोस्तों दिल्ली के अंदर, दिल्ली के कनॉट प्लेस, आप आ सकते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, बाबा खड़ा सिंह रोड पर ये लगा है दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग सा ये फूड फेस्टिवल है जो कि 1 तारीख से 17 दिसंबर तक चलने वाला है। इसकी टाइमिंग की बात करूँ, सुबह 11 बजे से शाम के 11 बजे तक आप इसको इंजॉय कर सकते हैं आके फ्रेंड। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके 25 राज्यों के खाने के लिए फूड्स मिलने वाले हैं, और कुछ यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं जिन्हें आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं आके। शाम को 6 बजे के बाद से वो सभी स्टार्ट हो जाते हैं, अलग अलग तरीके की प्रेजेंटेशन यहाँ पे रहती है, जो भी इवेंट्स रहते हैं उस तरीके, तो आप इसे आके एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ अपनी ये वीडियो। सभी हाथ ऊपर करेंगे, गिर 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 गिर, हाँ, बूंद बूंद बचाए भारत को खुशहाल बनाए। फिर से सभी हाथ ऊपर करेंगे, बोलेंगे गिर 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 गिर, आवाज आनी चाहिए ना जोर से, हाँ। जैसे हमें इंसानों को जीने का हक है, इसी तरह से जो पानी में, नदियों में पलानी जाते हैं उनको भी उतना ही हक है, इसलिए पानी का प्रदूषण। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपको कुल्हड़ वाली चाय मिल जाएगी पीने के लिए सुबह के, अगर आप कुल्हड़ चाय पीना चाहते हैं तो यहाँ पर मिलेगी। पूछते हैं कितने की, कितने की भैया चाय? 80 रुपए के, 80 रुपए का भैया कुंदड़ वाली चाय वाली। और आगे चलते हैं, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे है आइसक्रीम, यहाँ पे कुछ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है चाय के रेट, यहाँ पे उत्तराखंड के हैं जिसमें तंदूरी चाय, स्प्रिंग टमाटो, स्प्रिंग पोटैटो, रागी के मोमोज, झंगोरी की खीर है, फ्रूट आइसक्रीम हो गया, मार्केट का डबल चीज। और यहाँ देख सकते हैं पार्सल के चार्जेस यहाँ पे 20, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोमोज देखिए राजी के तौर पर। और ये है फ्रूट वाली आइसक्रीम, ये देखिए ये नेचुरल फ्रूट से उनके जो अर्क होता है ना उससे ही तैयार करते हैं, ये देखिए। यहाँ पे आपको लखपति दीदी के जो स्टॉल्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे, देखिएगा उत्तराखंड का है पूजा एस एच जी, जो एस एच जी ग्रुप हैं उनके द्वारा ही लगाए गए हैं इस बार स्टॉल यहाँ पे। और यहाँ पर ये राजपूत सेल्फ हेल्प ग्रुप धारियान एस एच जी हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल से आए हैं और देखते हैं क्या लेकर आए हिमाचल से, क्या मिल जाएगा आपके पास में हिमाचली सिद्धू, ओके ये है सिद्धू, बहुत बढ़िया हिमाचल के सिद्धू, ये देखिएगा ये सिद्धू बनाया जा रहा है हिमाचल का, मक्के की रोटी होगी और ये सरसों का साग है ना, ये पैक हो रहा है, बहुत बढ़िया ये पैकिंग की जा रही है यहाँ पे, सरसों का साग और मक्के की रोटी,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ मेन्यू भी दिया हुआ अपना, जो आप प्रोडक्ट यहाँ पे लेना चाहेंगे जो भी फूड वगैरह उसका रेट वगैरह यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं और ही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। भैया आपके पास क्या क्या? कांजी वड़ा। ओके, ये कांजी, ये दही गुजिया है, बहुत बढ़िया। जीरे वाली और ये जलेबी, रबड़ी जलेबी मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। तो रेट लिस्ट आपने देख लिए फ्रेंड यहाँ पे, और यहाँ पर रेट लिस्ट आप देख सकते हैं क्या क्या है। रबड़ी जलेबी 200 रुपये, हरा साग और बाजरे की रोटी भी मिल जाएगी यहाँ विद गुड़, बहुत बढ़िया। ये देखिएगा स्पेशल थाली मिल जाएगी। थाली कितने की लगा रहे हैं? 250, 250 रुपये की हरियाणा की थाली है, बहुत बढ़िया। ये हरियाणा का स्टॉल है, विकास सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG। जैसे आप देखो ये है बिलिंग काउंटर, तो यहाँ बिलिंग काउंटर पर आप बिल वगैरह ये आप फैमिली के लिए ले सकते हो। UPI सिस्टम भी है ना भैया? ये बैंड किस चीज़ के लिए? फूड के लिए, फूड के लिए। ओके, इतना ऐड करके दे देगा। तो जब वहाँ पे काउंटर पे जाएंगे तो उसके पास ही मोबाइल होगा, वैसे स्कैन करेंगे उतना वो डिटेक्ट हो जाता है। ओके, तो सही है सिस्टम बनाया है इस बार। तो पहले तो टोकन वाला चलता था, उससे बेटर है। हाँ, इसलिए सिस्टम रखा है, बहुत बढ़िया। यार दोस्तों बिलिंग का क्या सिस्टम है, और यहाँ पे जो भी चीज़ आपको चाहिए उसका आप यहाँ से ऐप के थ्रू आपके कार्ड से पेमेंट कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्टॉल, यहाँ पर आपको मिलेगा पंजाब का फूड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका मेन्यू है, मेन्यू में क्या क्या आइटम है उसके रेट्स भी आगे लिखे हुए हैं। ये देखिएगा चिकन वगैरह मिल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल चिकन टिक्का, ये देख सकते हैं गर्मा गर्म। अगर आप ये खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आ जाइएगा। और इनके पास भी जलेबी वगैरह मिल जाएगी रबड़ी के साथ में, रसगुल्ले हैं यहाँ पे बहुत सारे। चिकन की कितनी वैरायटी है? चिकन की, चिकन की कितनी वैरायटी है आपके पास? हाँ, 3 6 वैरायटी का चिकन है, बहुत बड़े। और ये वाला क्या है? टिक्का। ये क्या है? टिक्का, चिकन टिक्का, चंदूरी चिकन। ये जो देखना भी चंदूरी चिकन, बहुत बढ़िया। काफी सारी वैरायटी यहाँ पे फूड्स की। और यहाँ पे आप आ जाओगे तो यहाँ पे देखो चाट वाट, पकौड़े वकोड़े, पानी पूरी वाली टिक्की, चाट वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं, दही बंदा हो गया, राम लड्डू हो गए, सेब पूरी, भेल पूरी, मिर्ची वड़ा, काफी कुछ है भाई। चलो एक नज़र डाल लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका टिक्की, और ये आपका भाजी हो गई, बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं मिर्ची वड़ा वगैरह हो गया, दही बल्ले हो गए, ब्रेड पकौड़े हो गए, पानी पूरी हो गई, राम लड्डू हो गया, भैया काफी कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाओ, ये है उत्तर प्रदेश महिला शक्ति SHG, यहाँ भी देख सकते हैं। ये रसगुल्ला भी है, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन देख रहे हो भाई, कितने बड़े बड़े गुलाब जामुन का साइज फिट तो, और ये भल्ले का साइज है कितना बड़ा है। और ये आलू की टिक्की, तो काफी कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको इधर UP के स्टॉल पे भी। ये देख रहे मूंग दाल का चीला, बहुत बढ़िया, काफी कुछ है। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ये है पूजा SHG जो उत्तराखंड से है, और इनके पास में भी देख सकते हैं क्या क्या आइटम मिलेगा। रागी का मोमोज हो गया, रागी की पानी पूरी हो गई, वेज स्प्रिंग रोल, मिक्स दाल पकौड़ा, मांडवा का लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू, और यह अंगूबा खीर 50 रुपये, भाई बड़े स्टाइलिंग लिखा है, थोड़ा पढ़ने में भी डिफिकल्ट सा लग रहा है। देख रहे हो, ये देखो भाई रागी का मोमोज वगैरह हो गया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। स्प्रिंग रोल हो गया रागी का, पकौड़े वकोड़े हुए, काफ़ी आइटम इनके पास में भी, वहाँ कुछ उन्होंने दालें वगैरह डिस्प्ले की भी। क्राउड देख सकते हैं अभी यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये काफ़ी लंबा भी चलने वाला है, तो बीच बीच में क्राउड हल्का ज़्यादा रहता रहेगा इन स्टॉल्स पर। और आप भी यहाँ विजिट कर सकते हैं आके, ये 17 दिसंबर तक चलने वाला है अभी। ये देखिए यहाँ पे लोग फोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं, इस तरह के सेल्फी पॉइंट हैं, बच्चों को बड़ा आकर्षित करती हैं चीज़ें। जैसे कि आप देखते हैं हर बार सरस फूड में एक सरस गैलरी भी रहती है यहाँ पे,
फेस्टिवल में, और यहाँ पे एक उन्होंने सरस गैलरी बनाई हुई है, इसमें आपको काफ़ी सारा सामान मिलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें चीज़ें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूट्स वगैरह हो गए, कश्मीरी सूट्स हैं यहाँ पे, ये देखिए वुलन से रिलेटेड हैं कुछ, कश्मीरी शॉल्स हो गए, दुपट्टे हो गए, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ ये आप डेकोरेटिव आइटम ले सकते हैं, लाइटिंग वगैरह हो गई। ये देखिए ये सब मैं ब्रास का होता है, कौन सा मेटल ब्रास में होता है ना, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ये सब चीज़ें जो भी आप देख पा रहे हैं सब ब्रास में बनी हुई हैं। यहाँ पर भी जो आइटम आप देखेंगे ये भी सब ब्रास का ही बना हुआ है। देखिए पूरी काफ़ी अच्छी गैलरी बनाई हुई इन्होंने, देख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे इधर वाले काउंटर पर आपको यहाँ पे इस तरह के टॉयज मिल जाएंगे, वुडन से बने हुए हैं ये सभी, देखिए काफ़ी सब टॉयज हैं जो वुडन के बने हुए हैं, देखिए। और यहाँ लकड़ी का लट्टू है, बहुत बढ़िया। अभी गेम्स भी हैं बच्चों के, इधर और एक लट्टू ये रहा। बहुत बढ़िया लकड़ी का कॉम्ब है, 100 रुपीज़ का। यहाँ देख सकते हैं सरस गैलरी पे 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, सुबह 11 से 7 बजे तक का टाइम है। ये देखिए एक काउंटर और देख सकते हैं, ये बिहार का, ये दुर्गा SSG। इस बार यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ देखने के लिए मिली है, यहाँ पे SSG ने काउंटर लगाया अपने, जो भी आपको स्ट्रीट फूड देखने के लिए मिलेगा वो SSG के द्वारा है। तो आप यहाँ पे इनका मेन्यू देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे वैरायटी में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये झारखंड का आइटम ये देख सकते हैं, क्या चीज़ है ये इसका है सर। ओके, और ये सब्जी इसके साथ, सब्जी आलू चने की, आलू चने की सब्जी मिल रही है इसका के साथ। ये वाला वेस्ट बंगाल का है स्टॉल, यहाँ पे इनका मेन्यू देख सकते हैं, यहाँ पे मेन्यू में क्या क्या आइटम दिया है, सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ डिस्प्ले भी किया हुआ है, ये फिश की वैरायटी आपको मिलेगी अलग अलग फिश, ये फिश हैं सब फ्राई की हुई। और ये देखिए भाई ये वाला स्टॉल है उड़ीसा का, शक्ति अजीजी का सेल्फ हेल्प ग्रुप, अच्छा ये वाला है, ये फ्राई करके आपने बनाया वेज रुमाली रोल। यहाँ पे आप देखेंगे भी वेस्ट बंगाल का स्टॉल है, और इधर वाला ये शिवम SSG आसाम से हैं, त्रिपुरा है, तो मतलब देखा जाए तो 25 राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं जो फूड लेकर आए हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। देखिएगा सब राज्यों का अलग अलग स्पेशल, ये क्या चाहिए भैया, टिकली ओके, ओके बनता का है नारियल का, सब मिक्स रहता है इसमें नारियल वगैरह, ओके इसमें बनाते हैं, ओके बहुत बढ़िया इससे बनाया जाता है फ्रेंड, देखिए इसमें भर के और फिर उसको इस तरीके से शेप दे देते हैं, बहुत बढ़िया। ओके ये क्या चीज़ है, ब्लैक ब्लैक अच्छा ब्लैक राइस की खीर, ब्लैक राइस की खीर बनाई है आपने, ओके मशरूम की कड़ी है, बहुत बढ़िया। ये तिल का चिकन, और क्या ये तिल का चिकन है, चिकन काले वाले तिल से बनाया हुआ है चिकन, बहुत बढ़िया। ये मोमोज हैं, अच्छा मोमोज अलग अलग है, चिकन और वेज वगैरह दोनों मिल जाएंगे आपको। और इनका मेन्यू आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ये देखिए मेन्यू दिखा देता हूँ मैं, आप ये देख सकते हैं ये रेट्स रहने वाले इनके, ये देखिए फ्रेंड ये आप इसमें देख रहे हैं इसे बम्बोई बोलते हैं, ये त्रिपुरा का ट्रेडिशनल फूड है। और यहाँ पे चिकन, ये चिकन का क्या बनाया भैया, पकौड़ा है, अच्छा चिकन का पकौड़ा है, और ये भी कुछ बना रखा है भाई ने। तो आपको ये देखिए ये स्वीट्स में है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, तो काफ़ी कुछ अलग वैरायटी आपको इनके पास भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये वाला स्टॉल अरुणाचल प्रदेश थांगोर SSG है, देखिएगा अरुणाचल प्रदेश।
ये है नागालैंड का स्टॉल और इनका यह मेन्यू। तो इन्होंने भी यहाँ पे देखेंगे फ्रूट्स वगैरह का कुछ बना रहे हैं, तो इन्होंने छोटा सा स्टॉल है इनका, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये देख सकते हैं। ऐसे ही आपको ये स्टॉल मिलेगा, सिक्किम का है ये वाला, गुजरात का स्टॉल नंबर 19 है। और गुजरात में थाली वगैरह हो गया, गुजराती थेपला, गुजराती पकौड़ा, पोहा, मैनी टाइप स्वीट्स मिल जाएगी। और देख सकते हैं फाफदा गुजराती, गुजराती खिचड़ी, गुजराती चाय, बटर मिल्क, वाटर बोटल, ये सब हलवा वगैरह मिलेगा आपको यहाँ गुजरात में, ये देख सकते हैं। ये स्टॉल है इनका और इसी स्टॉल पे इन्होंने काफ़ी सारी वैरायटी रखी हुई है। कौन से चैनल है? देखिए फ्रेंड, ये है महाराष्ट्र और राजस्थान, तो आपको राजस्थान के फूड्स को भी इंजॉय करने का मौका मिलेगा यहाँ पे। राजस्थानी फूड्स में देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है। ये है राजस्थान का मेन्यू, देखते राजस्थानी थाली, थाली जो है 350 की है, दाल भाटी चूरमा 350, राज कचौड़ी 70, ये देख सकते हैं बहुत बढ़िया। ये इनका मेन्यू रहने वाला है, आप लोग देख सकते हैं रेट्स वगैरह, ये देखिएगा मिर्ची वड़ा, यह है मिर्ची का वड़ा, और यह है कचौड़ी, ये जलेबी हो गई, और ये हलवा हो गया इनका, दाल बाटी चूरमे का लड्डू हो गया, मीठी वाली कचौड़ी हो गई, और ये वाली प्याज की कचौड़ी हो गई, वो सूजी का हलवा, दाल का हलवा हुआ, चने की दाल, तो आप देख सकते हैं वो है मूंग दाल का हलवा, प्याज की कचौड़ी, हरी चटनी, लाल चटनी के साथ में, और दही बल्ले वगैरह हो गए, गोलगप्पे वगैरह भी मिल जाएंगे यहाँ पे, देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग तरह की चाट वगैरह मिल जाएगी, ये देखिएगा यहाँ पे जूस वगैरह भी मिलता है, केरला का जूस ही बनाते हैं, तो ये जूस वगैरह निकाल रहे हैं। कुछ और स्टॉल आप देखेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, और ये सामने वाला गोवा, तो इस तरीके के स्टॉल्स यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं हमें अलग अलग राज्यों के। ये क्या भैया, पोहा? ओके। और ये पराठा? मेथी का पराठा बनाया हुआ है। ये क्या है? मक्के की रोटी, सरसों का साग, पालक पूरी मिक्स वेज के साथ में, बहुत बढ़िया। ये बड़ा वाला गुलाब जामुन मिल गया, और एक लड्डू देख सकते हैं यहाँ पे मेवे का, केरला का स्टॉल है फ्रेंड्स, ज़रा देख पाएंगे ये रेट्स लिखे, और केरला का फूड वगैरह, फिश के बने हुए आइटम है, कुछ मोमोज हैं अलग अलग तरीके। ये कौन सा फिश है? मैकरल। ओके, ये इतना बड़ा साइज आता है इसका, बड़े भी आते हैं। और ये वाला कौन सा है? किंगफिश। ओके, तो इनके क्या फ्राई करके देते हैं पकौड़ा? फ्राई करके मसाला लगा के, बहुत बढ़िया। तो ये देख सकते हैं ये सब केरला का बढ़िया फूड्स है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ आ जाएँ तो यहाँ आ गए हम कर्नाटका का स्टॉल हमें मिल रहा है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका हो गया, और तमिलनाडु, बहुत बढ़िया, ये देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ये कर्नाटका का मेन्यू, आप यहाँ देख रहे हैं ये जो फूड कर्नाटका का यहाँ मिलेगा आपको, बना रहे हैं भैया अभी, ये तो बहुत बढ़िया। फिश वगैरह का डोसा वोसा मिल जाएगा आपको यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ये देखिएगा, ये है आंध्र प्रदेश, स्वामी एस एच जी, ये देखिए फिश करा रही है, पैम्पलेट। चिकन भी है और फिश भी है, फिश की अलग अलग वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी, देख सकते हो, उधर प्रॉन्स भी आपको मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया। ये आप इनका देख सकते हो मेन्यू है यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये वाला स्टॉल है हमारे तमिलनाडु का, तो यहाँ तमिलनाडु की जो डिशेज हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी देखने के लिए। एंड इसके साथ वाला आप देखेंगे ये है तेलंगाना, और वहाँ लास्ट में वो भी केरला का है, ये देखिएगा।